सरकारी अधिकारियों की मनमानी अब नहीं चलेगी। सरकारी अधिकारियों के ऊपर सरकार अब सख्ती बरतने जा रही है। सरकार दाखिल खारिज को अपने मन से करने वाले वैसे अधिकारियों के ऊपर अब कार्रवाई करने की तैयारी करने लगी है, जिनकी वजह से जो पहले आवेदन देते हैं उनका काम सही समय से नहीं हो पाता है। जी हाँ, खासकर दाखिल खारिज को अपने मन से रद्द करने वाले अधिकारियों पर अब कार्रवाई की जाएगी। बिहार में अब गलत तरीके से या फिर बिना किसी उचित कारण के खारिज किए गए दाखिल को अगर कोई रद्द करता है तो अब उससे सबसे पहले तो सवाल किया जाएगा, और अगर उसका जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो फिर उस कर्मी के ऊपर कार्रवाई की जानी है। तो अगर आप जमीन खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। बिहार सरकार अब अंचल कर्मियों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए दाखिल खारिज के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रही है। जमीन के म्यूटेशन से संबंधित आवेदनों का निपटारा अब अंचल कर्मियों की मनमानी से नहीं हो सकेगा। अब वो अपनी मर्जी से किसी आवेदन को नहीं चुन सकते और ना ही उसे रद्द कर सकते हैं। कैसे होगा ये सब कुछ, सारी जानकारी आपको हम देंगे। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। जी हाँ, बिहार में यह फीफो नियम लागू होने जा रहा है, जिसके तहत पहले आओ पहले पाओ की योजना बनाई जा रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय ने इसकी सूचना की जानकारी दी है, जिसके बाद जमीन खरीदना आसान हो जाएगा। अब जो पहले आवेदन करेगा उसका ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। अगर सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं होंगे तभी जाकर उस आवेदन को रद्द किया जाएगा। तो अब अगर आप जमीन लेने की सोच रहे हैं और आपने भी आवेदन कर रखा है और आपको लग रहा था कि आपका आवेदन कैंसिल कर दिया जाएगा जैसे कि पहले अधिकारी करते थे, तो ये खबर देख लीजिए, आपके लिए बेहद ही खुशखबरी है, क्योंकि अब अंचल कर्मियों की मनमानी पर सरकार रोक लगाने जा रही है। उस पर अंकुश लगाने के लिए फीफो नियम को तो लागू किया ही जाना है, साथ ही ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जाएगी जो अपनी मनमानी करेंगे। अब उसके बाद जो पहले आवेदन करेगा उसकी जमीन पहले हो जाएगी। फीफो का मतलब है पहले आओ पहले पाओ, साथ ही पहले बिना वजह बताए ही उचित कारण के बगैर ही दाखिल खारिज के आवेदन को देखकर अधिकारी उसे रद्द कर दिया करते थे, उनकी मनमानी चलती थी। लेकिन अब उनका ये कारनामा उनके ऊपर भारी पड़ने वाला है, उनकी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया गया है। ये निर्देश हाल ही में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह के द्वारा दी गई है। जो यहाँ हाल ही में उन्होंने बैठक करके इन सब चीजों पर विचार विमर्श किया है और उसके बाद ये फैसला लिया गया है, जिसके बाद अंचल कर्मियों को ये साफ निर्देश दे दिया गया है कि जो भी पहले आवेदन करेगा उसे पहले निपटाना है, और अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो उसके ऊपर विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। अंचल अधिकारी, राजस्व कर्मचारी और डेटा एंट्री ऑपरेटर अब पिक एंड चूज नहीं कर पाएंगे। म्यूटेशन के मामलों में कोई मनमानी नहीं चलेगी। आपको हम बताना चाहेंगे कि फीफो मॉडल की शुरुआत फिलहाल बिहार के कुछ खास जिलों में हुई है, लेकिन धीरे धीरे अभी हाजीपुर, समस्तीपुर, भागलपुर, नवादा, सिवान और भी ऐसे जितने भी जिले हैं इनके अलावा और भी जगह पर लागू कर दी जानी है। विभाग के द्वारा अधिकारियों को ये साफ निर्देश दे दिया गया है कि अगर सही वजह से दाखिल खारिज के किसी भी मामले को स्वीकार नहीं किया जा रहा है तो उसके बारे में विस्तार से लिखित जानकारी दी जाए, साथ ही दाखिल खारिज को रद्द करने से पहले जरूरी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराने के लिए आवेदक को एक और मौका जरूर देना चाहिए। और ऐसे ही किसी की दाखिल खारिज को अगर कोई कैंसिल करता है और जांच के बाद पाया जाता है कि इसके पीछे अधिकारियों की मनमानी थी तो फिर उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई शुरू हो जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने ये जानकारी भी दी है कि अधिकारियों की मनमानी पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है, आगे और भी सख्ती बरती जाएगी। बाकी अब इससे जुड़ी कोई नई अपडेट सामने आती है तो आप तक उसे हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप उस पूरी खबर को लेकर अपनी जो कुछ भी प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और बाकी खबरों के लिए बने रहे जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।